टू राधा कृष्ण किचन। आज हम लोग खेत में जा रहे हैं और सब है, भाभी है, अदु है और कृष्णा भी है। तो चलो आप सबको लेकर जाते हैं, आज ज्वारी के खेत में जाना है हम लोगों को। तो हम लोगों ने सोचा चलो आपको भी दिखाते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं आज। तो चलो फिर साथ चलते। करते ना दा, यहाँ गेहूं को पानी भर दिया है पूरा गेहूं को। और अभी ज्वारी को पानी भरने के लिए यहाँ से पाइपलाइन को जोड़ रहा है योगेश। और फिर उस दूसरे खेत में आपने देखा था ना कि वो अनियन के प्याज में ज्वारी डाली थी, उसको पानी भरना है। तो अभी यहाँ पे वो फिटिंग कर रहा है पाइपलाइन की। और ये फिटिंग सीधा इससे पानी, वो बहुत दूर है उस पहाड़ के पास, तो वहाँ यहाँ से पानी जाएगा। तो इसी तरह से इधर से उधर पानी भी लेकर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई बावड़ी नहीं है, यहीं पर है। तो इसी से ये, और इसको पानी भी अच्छा है, देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छा पानी इसको, तो फिर जाएगा वो। और गेहूं का पानी यहाँ पर बनना खत्म हो चुका है और अभी ये पाइपलाइन जोड़ रहा है। अभी ये यहाँ से पानी जाएगा सीधा ज्वारी के खेत में। तो वो ये नदी से होकर जाती है, बहुत दूर की पाइपलाइन है। अभी इस गेहूं को पानी भर दिया है। और दोपहर को हमारे गाय और बैल को पानी पिलाने का टाइम होता है। तो अभी सर्दियों के दिन है, बहुत ठंड है, इसीलिए पानी नहीं पिया जा रहा। तो अभी हम लोग एक आटा, इसमें दरदरा आटा पिसा हुआ डाल रहे हैं ताकि पानी पिए। और क्योंकि मौसम तो ऐसा है, पानी पीने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी पानी चाहिए ना बॉडी को, इसीलिए आप लोग ऐसा यूज़ करते हैं टेक्निक। तो बहुत अच्छे से पानी पीते और फिर वो चारा भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। अभी मैं वही कर रही हूँ। पीट नहीं जब तक आटा देखेगी पानी नहीं पिएगी, उसको पानी छोड़ के आटा खाने का होता है। और फिर आटा को छुपा दिया मैंने, तभी देखो कैसे पानी पी रही। अभी ठंड है ना तो पानी पिया नहीं जाता उनसे ऐसा, तो थोड़ा सा उसको आटा डालते। और ये आटा भी दरदरा पिसा हुआ है घर पे, तो इसे डालने के बाद वो बहुत अच्छे से पानी पीते। ये मेरी आई का टेक्निक है, तो सब यूज करते तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है उसका, है ना। पानी तो मैंने अभी पिला दिया है हम सब ने उनको, अभी चारा डालेंगे, हरा चारा है हमारे, इसको डाल देंगे अभी।
और इसको चारा डालने के बाद फिर हम लोगों को कहीं और जाना है, तो भी फटाफट से ये काम सब निपटा दे। और कृष्णा का कुछ ना कुछ चल रहा है यहाँ पे, तो अभी हम चारा डाल देते फिर अभी सोचेंगे क्या करना है। और अभी आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो अब तक तो लाइक बन रहा है ना, एक लाइक कर देना प्लीज़। और जो चैनल पे पहली बार आए वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हमारी काऊ यानी गाय हमारी गौ माता होती है, उनके बॉडी में पूरे 33 कोटि देव होते हैं, तो उन सबको प्रणाम किए बिना हम लोग नहीं रहते। और फिर इसी तरह से हम लोगों ने अभी हमारे यहाँ का काम पूरा निपटा दिया है, और अभी यहाँ से हम लोगों को कहीं और जाना है। और इधर हमारे घर के सामने ही है, और इधर से हम दूसरा रास्ता निकलता है जो खेतों दूसरे खेतों की ओर निकलता है। तो अभी हम लोग पूरे के पूरे टीम के साथ यहाँ से निकले, और ये वरद और ये आप इसे गांव जा रहे थे, और कृष्णा अदिति मैं और अनिता अभी हम लोग। उधर से जो पाइपलाइन जोड़ी थी ना हमने, वो पानी इधर आया और वो बहुत दूर है यहाँ से, और लेकिन ये पाइपलाइन जोड़ी हुई है ना, तो यहाँ पे गड्ढा है इससे बहुत ठंडा पानी, और यहाँ पे थोड़ा सा गर्म फिर गर्म ठंडा ऐसे होता है पानी का ठंडा। और अभी जवारी को पानी भरने का काम शुरू है, यहाँ से सीधा वहाँ तक और पूरे खेत को भरना है। तो उधर से वो बताएगा कि कहाँ पर गया, फिर हम लोग यहाँ से इसको बंद करेंगे अभी। और अभी पता है वो कॉलीफ्लावर का और कैबेज का सीजन खत्म हुआ, अभी गेहूं और ये जवारी डाल दिए हर जगह पे, और अभी बस पानी भरने का उसको खुरपने का छोटे मोटे काम है अभी, पहले जैसे नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में जून जब शुरू होता है तो उसके बाद हम लोग सीधे वेजिटेबल्स लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा काम होता है। और पंचते को कैसे मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे, फ्री में इंटरटेनमेंट करते हैं, इसीलिए बोर नहीं होते। किसान लोग भी काम करते हैं पर अच्छा लगता है सबको। और इसमें जाओ ना अंदर, देखो कितना मट्टी में पाव जाता है अंदर, इसीलिए यहाँ पे रुकने अंदर नहीं जाने का। फिर अभी योगेश उधर से बताएगा ये कब यहाँ से बंद करना है। और इसको भरने में 15 से 20 मिनट लगते हैं ये कार्य को, तो और अभी ना 12:30 बजे बहुत तेज धूप हो रही है, तो बहुत तेज धूप भी लग रही है, और यहाँ तो और नीचे से पानी में ठंडा पानी है तो ठंड लग रही है। का क्या बन रहा, तो उसने बोला अभी वहां से भर गया, अभी यहाँ से इसको मैं बंद कर। यहाँ पे वाड़ू कम है रेट, इसलिए ये जल्दी से बंद नहीं होता। अभी इसको खाली जाओगे सर, मैं बहुत बार कोशिश कर रही थी कब से, लेकिन ये मेरे से बंद ही नहीं हो रहा था।
बंद हो रहा था, फिर टूट रहा था, फिर बंद हो रहा था, फिर टूट रहा था। हमें लगता है हमारे बस की बात नहीं है, अभी योगेश ही इसको भरेगा, हम लोग जा रहे हैं ऐसे मैं और अनीता। तो अभी हम दोनों ने पानी भर दिया थोड़ा सा, अभी योगेश पीछे देख रहे हो भर रहा है, और अभी हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे ना बहुत तेज धूप है तो ये पल्लू बहुत काम आता है, फिर बहुत अच्छा भी लगता है और काम भी आता है। तो हम लोग अभी यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठे थे, और अभी थोड़ा रेस्ट करने के बाद ये दो रोबोट फिर से चालू होने वाले हैं। तो अभी हमारे पास हमारा हथियार भी है, कहाँ है दिखा, ये वाला काट डालेंगे, लेकिन डरना मत किसी को नहीं, अनचाही घास को काट डालेंगे। तो इतना हेवी नहीं अभी पर, और कृष्णा उधर से, आदिति हेलो करो आदिति हेलो, और कृष्णा भी आ रहा है, और दो छोटू भी साथ में, अभी देखो कैसे भागते भागते आ रहे। तो हम लोगों को यहाँ पे हमारे बिना उन दोनों को सबको समझ में नहीं आता कुछ भी, तो इसीलिए बंद कर दे। भर और आपको पता है हम लोगों का क्या प्रॉब्लम हुआ है, अभी हम लोग वहाँ से पानी से मट्टी से पैर हमारे भरे हुए हैं, और अभी यहाँ पर हम नीचे बैठने जाएंगे तो हमारी साड़ियाँ खराब हो जाएगी। तो अभी थोड़ा सा ऐसा वैसा करके अभी हम इसको खत्म करेंगे। और आपको पता है ये प्याज कौन सा है, ये प्याज का खेत है, और इसको ना ऐसे प्याज कट करके लगाए हुए क्योंकि उसमें से हम लोगों को सीड्स बना रहे। तो अभी इसमें बहुत सारी अनचाही घास आ गई, तो उसको हटाने का काम शुरू है। अभी बहुत छोटी छोटी वो घास नजर नहीं आ रही, लेकिन नेक्स्ट पानी में बहुत लंबी हो जाएगी। ये यहाँ पे देखो ये मैंने इसको उखाड़ लिया, और यहाँ पे बहुत सारी है इसलिए इसको पहले हटाएंगे। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे तो अभी ये कवात हटाने का काम शुरू है आज। अदिति खाना खाया? खाया। क्या खाया खाने में आज? भिंडी, रोटी और दिवाली को जो चूड़ा बनाया था वो अभी तक खत्म नहीं किया तुमने? बहुत पसंद है ना इसलिए थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। फिर खत्म कर दे, हम नया बनाएंगे। कृष्णा ने क्या खाया? जो उसने खाया। आसान उत्तर है ना कृष्णा? राइट। यहाँ पे है गोबर, गाय का गोबर, गाय का गोबर है यहाँ पे, जो गाय को बहुत टेस्टी होता है। और चट्टू तू कहाँ खा रहा है? दिखाओ दिखाओ माला दे, कहा खाते तू? अरे बापड़े इकड़ था, कस है कस है, छान है कि गाने कस है, चांगल है कस बोटन का? चिमन चारा चालू रहते हो।
बता देती हूँ। हाँ देख, इसी तरह से हम लोग हमारे खेतों में एक के बाद एक काम शुरू रहता है। तो आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल पे पहली बार आए हो तो क्या करना चाहिए बताओ, सब्सक्राइब। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।